माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग शुक्रवार को प्रयागराज पहुंची। आयोग की टीम काल्विन अस्पताल पहुंची। न्यायिक सदस्यों के काल्विन आने की सूचना पर पुलिस फोर्स अस्पताल पहुंच गई। आयोग की टीम दूसरी बार घटनास्थल का मुआयना करने आई है। पहली बार 20 अप्रैल को काल्विन अस्पताल पहुंची थी, जिसमें टीम ने इमरजेंसी में जाकर स्वास्थ्य कर्मियों से भी पूछताछ की थी। इसके बाद आयोग के सदस्यों ने एसआईटी से बातचीत कर घटनाक्रम की जानकारी ली थी। आयोग की टीम एफआईआर की कॉपी और दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी लिए थे। उल्लेखनीय है कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम अशरफ की 15 अप्रैल को करीब 10:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस समय दोनों को गोली मारी गई, उस समय उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए काल्विन अस्पताल ले जाया जा रहा था। मीडिया कर्मियों के वेश में पहुंचे लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह शूटरों ने ताबड़तोड़ गोली चलाकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। घटना के बाद उन्हें नैनी जेल में रखा गया था, लेकिन खतरे का अंदेशा होने के कारण उन्हें प्रतापगढ़ जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। शासन के गृह विभाग ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत इस आयोग का गठन किया है। आयोग 15 अप्रैल को प्रयागराज जनपद के संपूर्ण घटनाक्रम की विस्तृत जांच कर 2 माह के अंदर शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अरविंद कुमार त्रिपाठी के अलावा 2 अन्य सदस्यों के रूप में उप्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुबेश कुमार सिंह और सेवानिवृत्त जनपद न्यायाधीश ब्रिजेश कुमार सोनी थे। अब 2 और सदस्यों को शामिल किया गया है। पूर्व जस्टिस दिलीप बाबा साहेब भोसले की अध्यक्षता में यह आयोग जांच करेगा। पुलिस को सारी परेशानी मीडिया से है, ऐसे लग रहा चले जाइए। पुलिस के ही चल रही है। ये होता है कि शाम को बता दिया हम कितने टाइम यहाँ खड़े हैं। समझ गया।